स्टूडेंट्स, कुछ बच्चों की प्रॉब्लम थी ये कि दोबारा से रिपीट कर दो सर ये थर्ड क्वेश्चन. सो दैट देयर आर इनफाइनाइटली मैनी प्राइम ऑफ द फॉर्म 4n+3. देखो, इसमें हमने ये दिखाना है कि जो प्राइम नंबर्स हैं वो क्या होंगे. देयर आर इनफाइनाइटली मैनी प्राइम्स होंगे जो कि किस टाइप के होंगे, 4n+3 टाइप के होंगे हमारे पास. तो हमने देखो, इसको हमने इनफाइनाइटली प्रूव करना है. सपोज करेंगे हम, सपोज ये फाइनाइट है, लेट द नंबर ऑफ प्राइम जो 4n+3 टाइप के है वो फाइनाइट है, तो हम इसको कॉन्ट्राडिक्शन प्रूव करेंगे. ठीक है, सपोज किया अगर ये फाइनाइट है, ये फाइनाइट है, तो हमारे पास कोई ना कोई, ये किस टाइप का है हमारे पास, ये 4n+3 किस टाइप के नंबर है. n को 0 पुट करेंगे 3 आएगा, 1 पुट करेंगे 7 आएगा, 2 पुट करेंगे आगे इस तरह से हमारे पास 8 और 3 11 आ जाएगा हमारे पास. ठीक है, इस तरह से हमारे पास ये नंबर्स हैं जो कि हमने लिया फाइनाइट है. सपोज क्या जो क्यू है इसमें में से वो क्या ग्रेटेस्ट है, लेट क्यू बी द ग्रेटेस्ट प्राइम ऑफ दिस टाइप. जो इस टाइप के हमारे पास प्राइम है उनमें से जो क्यू है हमारे पास वो क्या है, ग्रेटेस्ट है. तो देखो वही हमारे पास, देयरफॉर जब फाइनाइट जो नंबर्स ऑफ प्राइम है वो किस टाइप के ले लिए हमने, 4n+3 टाइप के हमारे पास, और जो इनमें से ग्रेटेस्ट है वो ले लिया हमने क्यू ले लिया. ठीक है, और उन्होंने एक इक्वल मान लिया. सपोज किया लेट ए इज इक्वल टू है, जो इन सभी का प्रोडक्ट है, इन सभी फाइनाइट नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो भी तो फाइनाइट ही बनेगा ना. 3 × 7 × 11 × 7 क्यू, क्यू की वैल्यू कुछ भी हो सकता है. सपोज किया 101 है, तो वहाँ तक के जितने भी प्रोडक्ट है वो ए आ जाएगा. ठीक है, बी द प्रोडक्ट ऑफ ऑल दीज प्राइम्स है. तो कंसीडर हमने बी को कंसीडर किया नंबर, बी किसके इक्वल कंसीडर किया हमने, 4a-1 के इक्वल कंसीडर किया. ठीक है, तो देखो ये किस टाइप का है हमारे पास, जो बी मैंने लिया 4a-1, ये किस टाइप का है हमारे पास, ए को या एन से रिप्लेस कर दो तो 4n-1 टाइप का ही है. ठीक है, मतलब ये ओड होगा क्योंकि 4 से जो मल्टीपल होगा वो तो इवन होगा, उसमें से 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, ओड आ जाएगा. अब इसमें अगर हम एन को n+1 से रिप्लेस कर दें तो क्या आ जाएगा, 4n+1-1. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4n+4-1, दैट इज 4n-3 हो जाएगा. ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हमारे पास जो b है हमारे पास वो किस टाइप का है, 4n-1 और 4n+3 टाइप का है. ठीक है, और b obvious है वो किस टाइप का होगा, मतलब हमारे पास ये तो 4n-1 है या 4n+3 है, तो 4 से जो मल्टीपल हो रहा है हमारे पास 4 × a, तो -1 करें तो b obvious है ग्रेटर देन 1 है हमारे पास. ठीक है, तो बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होती है, हमारे पास कोई भी नंबर, हम b कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, किसी भी नंबर्स को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो हमने जो b को लिख दिया, सपोज किया वो p1 p2 p3 एंड pk, ये जो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे पास प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स की फॉर्म में हमने लिख दिया. अब देखो इसमें bk हमारे पास ओड है, bk हमारे पास यहाँ पे ओड है क्योंकि 4a तो इवन हो जाएगा, उसमें से 1 माइनस करेंगे तो ओड हो जाएगा. तो इनमें से जो ये प्राइम फैक्टर्स बनेंगे ये भी सभी क्या होंगे, ओड होंगे. ओनली 2 ही प्राइम फैक्टर इवन होता है हमारे पास, लिस्ट इवन प्राइम फैक्टर, बाकी तो ओड ही होते हैं. तो हमारे पास ये जो बी होएगा यहाँ पे ये ओड होगा, एवरी प्राइम फैक्टर ऑफ जो बी बनेगा वो ओड बनेगा. जैसे 3 × 5 है हमारे पास, क्या आएगा, 15 आएगा, ओड ही आएगा. 7 × 3 है या 21 है हमारे पास, जो भी कोई भी दो ओड नंबर्स लेंगे तो उनका प्रोडक्ट भी क्या बनेगा, ओड ही बनेगा. ठीक है, तो इसलिए बी क्या हो जाएगा, ओड प्राइम फैक्टर्स हो जाएगा. तो एवरी प्राइम फैक्टर p1 p2 pk इज आइदर ऑफ द फॉर्म क्या है हमारे पास, या तो 4n+1 टाइप का है या 4n+3 टाइप का. जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं वो भी किस टाइप के होते हैं हमारे पास, या तो 4n+1 टाइप के है या 4n+3 टाइप का. जैसे 101 लिया हमने, ये किस टाइप का हमारे पास, ये 4 × 4 × 8, ठीक है, और 4 × 8 प्लस में कितना रिमाइंडर 1 नहीं बचा ना हमारे पास. इसमें देखो जैसे इसमें हमारे पास 101 लिया था हमने, 101, तो इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, मतलब 4 से डिवाइड करेंगे हम, 4 × 8 = 2 × 1 = 20. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं हमारे पास, 4 101 को क्या लिख सकते हैं हम, 25 × 4 + 1, मतलब हमारे पास 4 × k + 1, मतलब k की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, 25 होगी. ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास या तो k + 1 टाइप 4n + 1 टाइप का होगा या 4n + 3 टाइप का होता है हमारे पास कोई भी हमारे पास प्राइम फैक्टर्स. तो बट ऑल द प्राइम जो हमारे पास ये प्राइम दे रखे हैं b में,
कैन नॉट बी ऑफ द फॉर्म ऑफ 4n+1 टाइप के तो हो नहीं सकते सभी। अगर सपोज के ये सभी 4n+3 टाइप के हैं, इसने बोला कि ये कैन नॉट बी ऑफ द फॉर्म ऑफ 4n+1 अलोन, बिकॉज अगर ऐसा है, इफ इट वर सो, अगर ओनली 4n+1 टाइप के ही हैं, देन जो प्रोडक्ट ऑफ बी हमारे पास विल आल्सो फॉर्म किस टाइप के हमारे पास 4n+1, बट दिस इज कॉन्ट्रेरी टू 1। ये हमारे पास जो ये फर्स्ट कंडीशन थी ये गलत हो जाएगी हमारे पास, कॉन्ट्रेरी टू 1, जो बी हमारे पास वो किस टाइप का है, 4n+3 टाइप का भी है, तो इसलिए हमारे पास जो बी हमारे पास है, तो इसमें देयरफॉर एटलीस्ट वन ऑफ द आउट ऑफ द दिस प्राइम में से क्या होगा, कोई ना कोई एक क्या होगा 4n+3 टाइप का होगा। ठीक है, वो हमने मान लिया, सपोज किया लेट पी बी एनी नंबर्स है ऑफ द फॉर्म 4n+3 टाइप का है, सच प्राइम फैक्टर्स ऑफ बी है, मतलब हमारे पास हमने इसमें लेट पी बी द हमारे पास कोई हमने प्राइम फैक्टर्स ले लिया हमने 4n+3 टाइप का जो कि बी में है। ठीक है, अब जो ईच प्राइम फैक्टर्स है जो बी के हमारे पास है, प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट है पी वन पी टू पी के, अब हमारे पास ईच जो प्राइम फैक्टर्स है बी को तो डिवाइड करेगा ही करेगा। ठीक है, तो पी क्या हो जाएगा हमारे पास, पी इज डिविजिबल ऑफ बी हो जाएगा, दैट इज को हम किस तरह से लिखते हैं बी बाई पी, मतलब जो पी है हमारे पास वो बी को डिवाइड करेगा, मतलब पी इज डिवाइजर ऑफ बी हो जाएगा। ठीक है, हम ये लिख सकते हैं। अब देखो पी अगर प्राइम है और किस फॉर्म का हमारे पास 4n+3 टाइप का हमारे पास, तो हमारे पास पी जो होगा हमारे पास वो क्या करेगा, हमारे पास इन सभी को प्रोडक्ट को तो डिवाइड करेगा करेगा, जो पी प्राइम 4n+3 का, मतलब 3 × 7 × 7 क्यों, इन सभी को ये तो डिवाइड करेगा पी, मतलब पी जो डिवाइड ऑफ क्या हो जाएगा 3 × 11 × 7। ये हमने किसके इक्वल लेके चले हैं, ए कोई नंबर लिया ना हमने 3 × 7 × 11 × 7 क्यों इज द ग्रेटेस्ट लार्जेस्ट नंबर लिया था हमने, तो पी क्या हो जाएगा डिवाइजर ऑफ ए हो जाएगा, इसको हमने ए नाम दिया, ए नाम दे रखा। ठीक है, तो हमारे पास देखो अगर हम पी जे डिवाइजर ऑफ ए है तो हम ये भी लिख सकते हैं टी जे इम्प्लाइज दैट पी जे डिवाइजर ऑफ 4a भी हो जाएगा। ठीक है, पी जे डिवाइजर ऑफ 4a है, ठीक है, और पी जे डिवाइजर ऑफ बी भी है, तो हम ये लिख सकते हैं कि इन दोनों का जो डिफरेंस होगा पी उसको भी डिवाइड करें, पी जे डिवाइजर ऑफ 4a माइनस बी हो जाएगा। अब देखो इसमें 4a माइनस बी को हमने a किसके इक्वल लेके चले थे, हम इसमें ए किसके इक्वल फोर, मतलब बी को किसके इक्वल लेके चले थे, सॉरी हम इसमें बी को किसके इक्वल लेके चले थे 4a-1, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 = 4a-b। तो देखो इसमें पी क्या हो जाएगा, 4a-b को हम क्या लिख देंगे 1। ठीक है, फ्रॉम 1 से 4a-b क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो पी जो डिवाइड ऑफ 1 आ गया। क्या ये पॉसिबल है, जो पी यहाँ पे प्राइम है, प्राइम क्या 1 को डिवाइड करेगा, क्योंकि लिस्ट प्राइम जो हमारे पास वो 2 होता है, 1 तो सभी को डिवाइड कर देगा ना, तो पी तो हमारे पास 1 को तो हर कोई डिवाइड कर देगा। ठीक है, ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगी हमारे पास, तो हमारे पास लिस्ट प्राइम है, हमारे पास हम 2 लेते हैं तो 1 हमारे पास प्राइम नहीं है, तो विच इज इम्पॉसिबल, पी तो हमारे पास ये पॉसिबल है ही नहीं है। ये पॉसिबल कब है हमारे पास, या तो मतलब ये पॉसिबल है ही नहीं है, पी क्या होता है ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है, जो प्राइम है हमारे पास वो क्या है, ग्रेटर देन 1 होता है हमारे पास। ठीक है, तो अवर्स पोजिशन क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी, तो नंबर ऑफ जो प्राइम्स है वो क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइट हो जाएंगे। हम फाइनाइट लेके चले थे ना, हमने कॉन्ट्राडिक्शन दिखा दी हमने, तो इसलिए क्या हो जाएंगे, जो नंबर्स ऑफ प्राइम नंबर हैं 4n+3 टाइप के वो क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइट होंगे। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट जो इसमें थ्योरम है वो भी सेम ही, हमारे पास 6n+5 या 6n+1 आ जाए, तो ये भी सभी प्राइम फैक्टर्स ही होते हैं। ठीक है, ओके।